तो यार मैं क्वांट वाला था जी। MBA दो हिस्सों में बटे होते हैं, क्वांट्स और पोएट्स, तुमने सुना ही होगा, तुम्हारे भी ऐसे ही बोला जाता होगा शायद। तो मैं क्वांट वाला था। हाँ। तो मुझे लगता था यार कि क्या होते हैं यार ये पोएट्स वाले, क्या होते हैं, कुछ भी लिख देते, नंबर मिल जाता है ना यार, कि यार कुछ नंबर्स होते नहीं है यार, हम लोग को नंबर गेम चाहिए होता था ना, इधर नंबर दिखे उधर नंबर दिखे, ये आ रहा है ये है वो है, वो मजा आता था। बट यार पहले मैं सोचता कि ह्यूमैनिटीज़ क्यों पढ़ाते हैं यार, क्या ही है यार, एक केस स्टडी है, उसको पढ़ना है फिर लिखना है, किसी को कुछ भी ग्रेड मिलने हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं सीरियसली बहुत लड़ता था अपने से, यार तुम लोग क्या ही हो, तुम लोगों को कुछ तो आता नहीं है, सब हमें हुआ था टाइप्स टाइप्स था। बट जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी तो यार मेरे को, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ HR पढ़ाते थे बीजू सर थे, अभी भी हैं अहमदाबाद में, फंटास्टिक फैकल्टी, फंटास्टिक। तो जब पहले दिन क्लास लेने आए थे ना हम लोग के, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार HR's ओनली बिजनेस इज बिजनेस, HR's ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाते थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यार वो उस समय लगा कि क्या, क्योंकि क्या होता था ना, हम लोग कॉर्पोरेट वाले हमारे सारे दोस्त रहते थे, वो पूछते थे यार HR तो तुम भी देखते हो रील्स में, देखते हो यार HR क्या होता, कुछ नहीं करता, HR का काम खाली रहता है, HR खाली रहता है। बट यार जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी तो यार मुझे यार ये चीज़ समझ में आई, ये सारा खेल तो टीम का ही होता है। हाँ। अगर तुमने टीम सही नहीं रखी तो फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। Yes. आज जो कहते हैं IPM करियर सक्सेसफुल है, दो साल तीन साल में हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, इतने सेंटर हो गए, इतने स्टूडेंट्स हो गए, तो उसमें बहुत बड़ा जो हमारा योगदान था वो हमारी टीम का था, जो शायद कैमरे पर नहीं आती ना। एक्चुअली क्या होता है, लोग मुझे जानते हैं ना, लोग मुझे जानते हैं IPM कर, किसी से पूछो IPM कर, अच्छा वो आशुतोष सर है, बट लोग उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जानते कि जिन्होंने हमारे पीछे रहकर, हमारी टीम ने हमारी मदद करी। तो जब जब मैं ये सोचता हूँ यार, मुझे उनकी बात याद आती है। जब तुमने ये बात बोली ना, और इसी में मेरा, तुम्हारा ह्यूमैनिटीज़ में एक और सब्जेक्ट शायद तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो था पब्लिक पॉलिसी। वो यार बड़ा तगड़ा सब्जेक्ट लगा मुझे कि यार पब्लिक डीलिंग भी क्या चीज़ होती है, एकदम अलग होती है। और जिसे कहते हैं कि मतलब एक, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो कैसे डील करते हैं, क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, तो बड़ा खूबसूरत वो सब्जेक्ट लगा। और